दोस्तों स्वागत है आपका पीएस मोटो हब में। तो आज मैं आपको कुछ अर्टिगा के हिडन फीचर्स बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अर्टिगा बाय करने जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, प्लस कुछ हिडन फीचर्स भी हैं। जैसे आप इसकी की में देख सकते हैं, लॉक एंड अनलॉक दोनों का ऑप्शन आता है और ये गाड़ी इस समय प्रेजेंट टाइम लॉक है हमारी। आप इस की को अगर एक बार दबाते हैं तो केवल इसका ड्राइवर साइड डोर ओपन होता है जबकि पैसेंजर्स का डोर नहीं ओपन होगा, लेकिन दोबारा की दबाने पर जो है पैसेंजर साइड भी ओपन हो जाता है। अब चलिए गाड़ी के अंदर आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले व्हाइट कलर की सीएनजी वेरिएंट है जो आप देख पा रहे हो। तो इंटीरियर से सबसे पहले चलते हैं, फैन को ऑन करते हैं। हाँ गाइस, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर कूल्ड ग्लो बॉक्स आता है। ये काफी अच्छा फीचर है। एक तो ये फीचर हो गया। उसके बाद अगर आप इसका एफएम वगैरह यूज करते हैं ब्लूटूथ से, तो आप इसका आपको केवल प्लस माइनस दबाने की जरूरत नहीं है। आप केवल ऐसे ऐसे कर करके भी, मतलब यू करना है आप प्लस कर लीजिए और यू करना है आपको माइनस कर लीजिए। ये वेविंग पे भी डिपेंड करता है। तो काफी एक ही कूल फीचर लगा है तीसरा। और एक और फीचर है, आप जैसे आपने यहाँ पे फैन ऑन किया है, अब मैं मानिए इसको पूरा बंद कर देता हूँ। अब मेरे को एसी नहीं चाहिए, बट इसमें जो रियर एसी वेंट्स हैं आप इसको ऑन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एसी नहीं चाहिए, एसी की हवा डायरेक्ट नहीं चाहिए बट कैबिन कूल करना है, तो उसके लिए ये चीज बेस्ट है। और रियर पैसेंजर्स को अगर केवल चाहिए तो वो अपना कर सकते हैं, जबकि यहाँ से एसी ऑन नहीं होगा। ये एक बहुत बढ़िया फीचर है अर्टिगा का। और अगर सीटिंग की बात करें तो इसकी जो रियर सीट्स हैं काफ़ी अच्छी हैं। मुझसे बहुत लोगों ने कहा है कि इसकी रियर सीट्स कैसी हैं। आप देख सकते हैं बीच में आपको आर्मरेस्ट भी दिया जाता है इसमें। प्लस अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसमें आप आराम से, अगर दुबले पतले भी हैं तीन या चार लोग आराम से इसमें बैठ जाते हैं। इसकी सीट्स इतनी लंबी हैं। हमारे पास एक वैगनार भी है। वैगनार की अगर इसकी सीट्स की कंपैरिजन करें तो इसकी फ्रंट सीट्स काफ़ी विड्थ में काफ़ी ज़्यादा हैं। लेंथ वाइज भी अच्छी हैं बट विड्थ में काफ़ी अच्छी हैं। मतलब अगर आप एक हेल्दी एडल्ट को भी बैठाते हैं तो यहाँ पे उसको भी स्पेस की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। इसके एसी वेंट्स को बंद करते हैं पहले। प्लस जब आप कैबिन में आएंगे आपको एक स्पेशियस कैबिन इसमें प्रोवाइड होता है। ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है अर्टिगा का। और जो आरवीएम है वो आपको इस साइड तो मिल जाता है बट वीएक्सआई वेरिएंट में भरा लिए नहीं मिलता है आपको। लाइट्स भी बढ़िया मिल ही जाती हैं और मिरर भी आपको ये मैन्युअली एडजस्टेबल आएगा। दोस्तों आरवीएम का फीचर आपको यहाँ मिल जाता है, आपको पता ही होगा अर्टिगा में। अब इसकी पिछली सीट्स में चलते हैं तो भी वो आपको ले चलते हैं। यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग हीटर भी दिख जाता है जब आप पहला गियर जरूर मारेंगे इसमें। यह हालांकि जब आप गाड़ी को इंजन ऑन करेंगे तब आपको जरूर दिखाएगा चलाते समय। और इंडिकेशन भी दिया हुआ है इसमें, जब आप गियर फर्स्ट से सेकंड में जब डालना होगा तो इसमें प्लस का साइन आता है एरो का। तो अब चलते हैं गाइस इसकी पिछली सीट्स में और आपको तो सेकंड रो सीट्स में आ गए। यहां पे भी आप सिटिंग पोस्चर देख सकते हैं हमारा। अगर मैं अपने सिटिंग पोस्चर की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया है बिल्कुल। और हेडरूम भी काफी अच्छा आता है इसमें। लेग रूम भी काफी बढ़िया है और स्पेशियस कैबिन है यहाँ पे। आर्मरेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं। अब थर्ड रो सीट्स की अगर मेन बात करें तो यहाँ पे जो है आराम से इसकी सीट्स इतनी अच्छी हैं, थर्ड रो की मैं बात करता हूँ, कि तीन लोग आराम से बैठ जाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं। और यहाँ पे बढ़िया से बड़े साइज के कप होल्डर दे रखे हैं जिसमें आप मेरा फोन भी डाल सकते हैं आराम से, है ना। काफी बढ़िया है ये चीज, काफी अच्छी। बस इसमें जो है एक पावर आउटपुट और दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता, बाकी स्पेस बढ़िया है। एक रूफ लाइट भी दे रखी है। और इसके जो एसी हैं बहुत ही बढ़िया है, मानना पड़ेगा। ये इनकी रेंज इतनी अच्छी है कि तीसरी रो के पैसेंजर्स को आराम से एसी आ जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। एक पावर आउटपुट यहाँ पे दे रखा है हालांकि,
आपको अब बूट को भी ओपन करके देखते हैं। तो ये और ये देखिए बढ़िया बूट स्पेस है। और ये सिलेंडर है टूल किट रखने के लिए। आप ये है, ये भी एक अच्छा दे रखा है आपने। बाकी गाइज अगर आप इस गाड़ी को लेने का सोच रहे हैं, इनफैक्ट अगर आपने बुक भी करी है, तो आप इसको लेने के बाद जो है पछताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये माइलेज इसका काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। सबसे अच्छी बात हमको ये भी एक लगती है कि आप सिटी में भी अगर चलाते हैं तो एक अच्छा माइलेज आपको दे के जाती है गाड़ी। बहुत ही बढ़िया एवरेज है माइलेज है और फैमिली लाइक बहुत अच्छी कार है, इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छी स्पीड्स है, अगर आप एज अ फाइव सीटर भी यूज़ करते हैं ना, इतना बढ़िया बूट आपको देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप इसमें 50-50 किलो की दो बोरी आ जाएं, ऐसी स्पेस है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं मतलब हमारी अर्टिगा में। आप भी लेते हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे इस गाड़ी को लेने के बाद। तो गाइज ये था हमारा वीडियो द ओनली मारुति अर्टिगा पर। कुछ टॉप फीचर्स, कुछ अच्छे फीचर्स आपको दिखाएं। होपफुली आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल PS Motor। सो गाइज आपको देखते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।